सुबह सुबह उठे तो नबी पाक की आंखों में आंसू थे। फरमाया मेरे अब्दुल रहमान बिन औफ को बुलाओ। जब अब्दुल रहमान बिन औफ आए तो हुजूर ने सीने से लगा लिया। नबी पाक खोल के रोए। अर्सुल्लाह हुजूर क्या हुआ? फरमाया अब्दुल रहमान रात में ख्वाब देखी है, सारे जन्नत में चले गए, तू पीछे रह गया, तू पीछे रह गया। मैं खड़ा तेरा इंतजार करता रहा, मैं तेरे बगैर जा नहीं सकता था। फिर तू आया तो तू तेरा सारा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ तड़प के रोए, कदमों पे सर रहा। हुजूर मेरी गलती। पर मैं यार तेरे पास माल बड़ा है, तुझे हिसाब देते देते लेट हो गई, तेरे बैग खुल गए, तुझे हिसाब देना पड़ गया, तू लेट हो गया। तो मैं परेशान हो गया। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने 100 घोड़ा माल ऊपर रख के हजरत अब्दुल रहमान ने हुजूर की बारगाह में पेश किया। कहा यार सुल्ला ये। और पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन सरकार के विसाले जाहिरी के बाद हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ नबी पाक के घर के दरवाजे के बाहर आके बैठ गए और यूं सर को पकड़ा हुआ रो रहे। हजरत उम्मे सलमा हुजूर की जौजा बाहर आई। कहा बेटा अब्दुल रहमान क्या हुआ? मैं पूछा क्या हुआ तो और खोल के रोए। कहा क्यों रोता है? कहा अम्मा जी जब तक मेरे महबूब हयात ज़ाहिरी में थे मुझे बताते थे ये माल ना कमा ये कमा। मैं हुजूर से बात करता था तो हुजूर रोक देते थे, अब मुझे ज़ाहिरन बताने वाला कोई नहीं, माल के ढेर लग गए हैं। आज हिसाब करने बैठा हूँ तो हिसाब नहीं हो रहा। सोचता हूँ अगर मैं फंस गया तो मुझे कौन उससे बचाएगा? आप महबूब की जौजा है, मेरी माँ है, मैं आपके पास आया हूँ। अम्मा जी मुझे बताए मैं क्या करूँ? तो हजरत उम्मे सलमा भी रो पड़ी, कहने लगी महबूब महबूब थे, मैं कहाँ उनकी तर्जमानी कर सकती, मैं नबी पाक की तर्जमानी कैसे करूँ? अम्मा जी खुदा वास्ते मुझे कोई हुक्म दे दे, मुझे लगता है अब्दुल रहमान बर्बाद हो जाएगा, हलाक हो जाएगा, खुदा रहा मुझे कुछ बता दे, इतना सारा माल है मैं कहाँ इसका हिसाब दूंगा, मेहरबानी फरमाए, ये तजारतें मेरे गले पड़ रही है। हजरत उम्मे सलमा की जब मिन्नत की तो फरमाने लगी जा बेटे आधा खैरात कर दे। कितना? 2.5% नहीं, कितने फीसद है? 50%, 50%। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ गए और 50% खैरात करके कहने लगे अम्मा मैंने 50% दे दिए, मैं बच जाऊंगा ना, मैं बच जाऊंगा, मैं दे आया हूं आधा। हजरत उम्मे सलमा फरमाने लगी मैं नबी पाक की बारगाह में सिफारिश करूंगी तेरी और नबी पाक अल्लाह की बारगाह पे सिफारिश कर।